हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू द ICAI अपडेट्स हब चैनल। और इस वीडियो का टॉपिक है यहाँ पे कि ICAI न्यू सिलेबस के अंदर आर्टिकलशिप की अमेंडमेंट को लेकर के क्या डिस्कशंस हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंस्ट्रक्शन दिए थे ICAI को विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग अमेंडमेंट्स, तो उसका क्या चल रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं बात कर रहा था आर्टिकलशिप अमेंडमेंट को रिस्पेक्ट को लेकर के, राइट। आर्टिकलशिप का अमेंडमेंट क्या चल रहा है, देखिए जैसे मैंने आपको अभी लास्ट वाली वीडियो देखी बताई थी कि आपके जो न्यू सिलेबस की एप्लीकेबिलिटी है, मतलब नोटिफिकेशन है, वो कब तक आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में उसके हम स्क्रीन आपको दे देंगे, आप उस पर प्लीज़ चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो आर्टिकलशिप का सिचुएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक ICAI को इंस्ट्रक्शन दिया था कि या तो आप क्या करें, पोस्ट क्वालिफिकेशन जो ट्रेनिंग आप कह रहे हैं, ICAI ने अपने प्रपोज्ड स्कीम्स ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के अंदर ये डाला था कि अब ICAI के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने एक बार CA क्वालिफाई कर लिया, CA क्वालिफाई करने के बाद उनको मेंबरशिप नहीं मिल सकती जब तक वो एक साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग कंप्लीट ना कर लें, राइट। तो मेंबरशिप नंबर आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग तब कंप्लीट ना कर ले एक साल की अंडर CA फॉर्म प्रैक्टिसेस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर। तो साथ ही साथ ICAI ने ये भी कहा था कि दो साल की आर्टिकलशिप हम रख रहे हैं, राइट, अंडर न्यू करिकुलम्स। तो ये प्रपोज ड्राफ्ट आपके रिव्यू करा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट्स पे, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको या तो दो साल का आर्टिकलशिप रख लो, राइट, या तो आप दो साल का आर्टिकलशिप रख लो, लेकिन आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन का जो ट्रेनिंग है उसको रिमूव करना पड़ेगा। जो पोस्ट क्वालिफिकेशन वाला एक साल का ट्रेनिंग वाला सिचुएशन है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, राइट है। इस चीज़ को देखते हुए अब ICAI के पास ऑप्शंस हैं दो, राइट, या तो वो तीन साल का आर्टिकलशिप कर दे या फिर वो दो साल का आर्टिकलशिप कर दे, दो ही ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि पोस्ट क्वालिफिकेशन का तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इसको कंसिडर ही नहीं किया। अब काफ़ी रूमर्स फैलने लगा मार्केट्स के अंदर कि भैया IMCA ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ ICAI, आपका रिजेक्शन हो गया। ये बहुत गलत था, रिजेक्शंस कुछ इस तरह का बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन यस, आर्टिकलशिप का जो ट्रेनिंग सिचुएशन है वो ट्रेनिंग सिचुएशंस अभी भी ICAI कंसिडर कर रही है, राइट। और ये कब तक फाइनल हो जाएगा और मेरा क्या ओपिनियन है कि तीन साल का रहेगा, दो साल का रहेगा, तो वो भी मैं इसकी वीडियो के अंदर ही डिस्कशन करूँगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, पोस्ट क्वालिफिकेशन का तो क्लोज अब हट जाएगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए तो MCA ही एग्री नहीं है, तो डेफिनेटली ICAI कहाँ इस चीज़ के लिए एग्री होगी। दूसरी बात निकल के आती है, अब तीन साल या दो साल, देखिए मेरी ओपिनियन क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन क्या चल रही है। सिचुएशन ये चल रही है कि ICAI चाहती है कि इसको दो साल की आर्टिकलशिप कर दी जाए, क्योंकि जब प्रपोज स्कीम्स लेके आ रहे हैं और हम उसके अंदर एक क्लोज डाला है 2 ईयर्स की आर्टिकलशिप का, तो उसमें फिर रेलेवेंस नहीं रह जाता कि तीन साल का आर्टिकलशिप करें। तो दो साल का आर्टिकलशिप एज पर माई ओपिनियन, बाकी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसके रिस्पेक्ट में जो बातें होंगी मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर ला के दूंगा, और फर्दर अपडेट्स जो भी आती रहती है मेरे को, जो चीज़ें पता लगती रहेंगी, दैट एब्सोल्युटली आई विल डिलीवर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑन माई दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपके साथ ये डिस्कशन करी कि जो दो साल की आर्टिकलशिप है, ICAI इस बात को कंसिडर कर रही है कि दो साल की आर्टिकलशिप इसको लगा दी जाए, राइट है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट में चेंजेस करने का डिस्कशन हो रहा है, सब्जेक्ट में कुछ फर्दर चेंजेस करने का डिस्कशन हो रहा है। तो जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन या जैसे ही कोई अपडेट्स मेरे पास आती है, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, राइट। तभी तो कहता हूँ कि प्रेस करके रखो बेल आइकन भी, और बेल आइकन प्रेस करके रखोगे तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो का एकदम से आपको मिलेगा। और अब चैनल का नेम हमारा वैसे भी चेंज हो चुका है, द ICAI अपडेट हब के नाम से, और क्रैक CA, CS और CMA एग्ज़ाम हट चुका है, राइट। तो आपका बस मुझे सपोर्ट चाहिए, आप अगर इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे, डेफिनेटली आई विल
डेफिनेटली डिलीवर ऑथेंटिक और फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू। और एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज़ मैं आपसे बस इस बात की एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप कोई चीज़ सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो तो एक मोटिवेशन सा फील होता है, राइट। बाकी इन चीज़ों से और चीज़ें नहीं होती, ये एब्सोल्युटली मोटिवेशन अलग ही फील होता है, ठीक है ना। तो बस यही मैं आपसे कहना आया था कि मेरी ओपिनियन के हिसाब से आपका 2 साल का आर्टिकलशिप रहने वाला है और सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अभी ये डिस्कशंस फाइनल नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं न्यू स्कीम्स के रिस्पेक्ट में लेकर के, जो भी मुझे कुछ अपडेट्स मिलती हैं या जैसा भी कुछ आता है वो मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के थ्रू अपडेट्स करूंगा। अगर आपने मेरी वो लास्ट वाली वीडियो 100% कंफर्म वाली नहीं देखी है तो आप ज़रूर चेक करिएगा, राइट। होपिंग सो गाइज यू फाउंड दिस वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पर आपको हमारे कुछ लिंक्स दिखेंगे वीडियोस के, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाकर के एक बार चेक कर लेना इन वीडियोस को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और May 23 के लिए जो अगर आपको 6 महीने सेव करने अपने, अभी आपका अपकमिंग एग्जाम्स है, अगर आपको वो 6 मंथ सेव करने हैं तो वो उस लिंक पर भी आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से आपने सी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।